हेलो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को देखेंगे। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था साथियों? तो इसका राइट उत्तर है दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल। अब देखिए अगला प्रश्न, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। तो कौन सा क्रम है? 26वां क्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो बताओ साथियों, इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है कलचुरियों ने। किसने शासन किया? तो कलचुरियों ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है साथियों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गोलाकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो बताओ साथियों, इसका आंसर है धान। ठीक है, धान इसका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 11। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? मोस्ट एमपी प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संवेदना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है करुणा। ठीक है, करुणा रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते जाओ साथियों। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय। अब देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? ये शासन है साथियों, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कलचुरियों ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो प्रहार नामक एक अभियान का प्रारंभ किया गया था, उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था नक्सलवाद को दूर करना, नक्सलवाद को दूर करना था। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन है? तो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा साथियों? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के अधिक भाग को छूता है। ठीक है, अधिकांश भाग को वो स्पर्श करता है साथियों। अब देखो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो इसका आंसर बताओ साथियों। तो इसका आंसर क्या है? 7। ठीक है, ये आंसर क्या है? 7 है। ठीक है, अब अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? तो बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है?
तो बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है, बताओ चाहती हो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 5। क्या है? 5 है। ठीक है, 5। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है दोस्तों, नया रायपुर, याद रखना ये रायपुर नहीं, नया रायपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है, बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऊपरी भाग से गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ, तो दुर्गा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं, तो ये दुर्ग में है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, तो इसका राइट उत्तर है सुकमा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, तो इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधनीय है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, तो इसका राइट उत्तर है अबुझमांड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है, बताओ साथियों इसका राइट उत्तर क्या है, तो इसका राइट उत्तर है चांपा। चांपा जो है बहुत ज़्यादा गर्म स्थान है ग्रीष्मकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, देखो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो बताओ साथियों इसका राइट उत्तर क्या है, अंबिकापुर। अंबिकापुर सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बताओ, ये है बिलासपुर में। कहाँ पर है? बिलासपुर में। देखिए आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष है, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष है, तो कौन से वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, कमेंट बॉक्स में बताओ, तो ये साल है। क्या है? साल। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, तो बताओ साथियों इसका कौन सा स्थान है, तो इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसका राइट उत्तर है 3। इसका राइट उत्तर क्या है? 3 है। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, तो अभयारण्य की संख्या आप लोग जानते हो साथियों कितना है, 11 है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुमरदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुमरदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, बताओ साथियों इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर है रायगढ़। रायगढ़ जिला में ही गुमरदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, देखिए साथियों, रानीदाह जल प्रपात किस जिले में स्थित है, रानीदाह जल प्रपात किस जिले में स्थित है, तो बताओ साथियों इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है जसपुर। जसपुर जिले में ही रानीदाह जल प्रपात स्थित है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न देखिए, अमृतधारा जल प्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है, अमृतधारा जल प्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है, इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कोरिया। कोरिया जिला में स्थित है अमृतधारा जल प्रपात। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, मंदरा जल प्रपात कहाँ स्थित है, मंदरा जल प्रपात कहाँ स्थित है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा साथियों, ये है टोकपाल। ठीक है, टोकपाल। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न है, चित्रकूट जल प्रपात कहाँ स्थित है, चित्रकूट जल प्रपात कहाँ स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है बस्तर संभाग में। ठीक है, चित्रकूट जल प्रपात कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखिए। रक्षगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रक्षगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है बताओ साथियों। इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर है सरगुजा। ठीक है, सरगुजा में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में जिले हैं? निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में जिले हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है महापाषाणीय संस्कृति। महापाषाणीय संस्कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी? छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी? तो इसका राइट उत्तर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न साथियों। आपका अगला प्रश्न है। गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कौन से जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका राइट उत्तर है रायपुर। रायपुर। ठीक है, अब अगला प्रश्न। वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? तो इसका राइट उत्तर क्या है साथियों? तो इसका राइट उत्तर है नल। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघराज कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था बताओ साथियों। इसका राइट उत्तर महाकंतार। इसका राइट उत्तर है महाकंतार। ठीक है, फिर अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट उत्तर है कलचुरी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था? तो इसका राइट उत्तर क्या है? बिंबाजी भोंसला। बिंबाजी भोंसला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था तो कौन है? इसका राइट उत्तर, इसका राइट उत्तर है विट्ठल दिनकर। ठीक है, विट्ठल दिनकर। अब अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है आपका। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था? छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो कैप्टन एडमन। क्या है? कैप्टन एडमन। ठीक है, अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित कराया? तो कहाँ पर कराया था साथियों बताओ इसका राइट उत्तर क्या है? तो इसका राइट उत्तर है खल्लारी। खल्लारी। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न है आपका। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो बताओ साथियों इसका राइट उत्तर है मराठों ने। आपका लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो इसका राइट उत्तर है 1854 ईस्वी में। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। और यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।